मैडम क्या हुआ था, क्यों आपको थप्पड़ मारा डॉक्टर ने? सर मैंने एक बच्चे की जान बचाई है इसलिए मैंने थप्पड़ खाया सर। किस बच्चे की? पूरा मामला क्या था सर? बच्चे की लेबरों की जो है ये कल्पना चावला के लेबरों की शिकायत है सर। ये ना बच्चे के ना डिलीवरी हुई थी, बच्चा डिलीवरी होते ही डस्टबिन में गिर गया था सर। वो बच्चा मैंने वहाँ से डस्टबिन में से निकाला, लेकिन उसको निकाल के कहती मैडम तूने क्यों उठाया इसको, क्यों निकाला है? मैं कहा मैम डिलीवरी के बाद बच्चा जैसे वो डस्टबिन में गिर गया। हाँ जी, वो डस्टबिन नीचे रखा होता है सर। अच्छा। ऊपर में टेबल होती है, टेबल के नीचे डस्टबिन रखते हैं जिसमें कचरा वगैरह डालते हैं सर, उसके अंदर गिर गया था वो बच्चा। तो आपने उठाकर क्या गलती करी थी? आपने तो उठाकर उनको पूछा ना, डॉक्टर मनीषा को बुला के पूछो भाई मैंने क्या गलती की जिसके लिए मुझे थप्पड़ मारा गया, ये तो आप उनसे पूछो ना। तो जब उन्होंने थप्पड़ मारा आपने पूछा नहीं मैडम थप्पड़ हाथ भाई? ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं थी, तुमने बच्चे को क्यों उठाया? ये गलती थी मेरी, मैंने बच्चे की जान बचा दी। मतलब आप तमाशा देखते खड़े हो कि बच्चा डस्टबिन में पड़ा मर जाता तो मर जाता, कहती मैं जवाब देती। क्या कार्रवाई क्या चाहते हो आप? तमाम लोग यहाँ पर बैठ चुके अभी तो हैं जो मैडम। हाँ जी सर, हमारे सामने बुलाना पड़ेगा सर मैडम को। हाँ जी यहाँ पे आएंगे, यहाँ के मेरे से माफी मांगेंगे तब बात करेंगे। कितने बजे की बात है डिलीवरी? कितने बजे? 10 बजे की बात है सर, रात 10:30 बजे की बात है सर। 10:30 बजे? दस साढ़े 10 बजे की बात है। और लेबर रूम में एक महिला कहाँ बैठी है? ऐसे कोई बात नहीं, भी कर लेते हैं। लेबर रूम में बताया जा रहा है एक डिलीवरी होती है और डिलीवरी के उपरांत एक बच्चा, जो डिलीवरी के उपरांत बच्चे होता है वो बच्चा डस्टबिन में गिर जाता है। और डस्टबिन में गिरने के बाद जो अंजू है, जो वहां पर महिला कर्मचारी कार्यरत थी, जो वहां पर खड़ी थी, उसने डस्टबिन से बच्चे को उठाया तो कहीं ना कहीं जो मैडम थी, जो डॉक्टर वहां पर मौजूद थी उस समय मनीषा, उसने थप्पड़ अंजू को रसीद दिया। फिलहाल इस समय माता जी है। माता जी, आपके परिवार में डिलीवरी हुई थी बच्चे की? हाँ जी। क्या क्या हुआ था, पूरा मामला क्या था? वो बच्चा हो या डिलीवरी हो, उस टाइम जी कोई नहीं था उसके पास। अच्छा। मैं खड़ी थी चाहे या थी जी। अच्छा। इसका नाम क्या है जी? अच्छा अंजू। हाँ जी। अच्छा, फिर डॉक्टर ने आपके सामने थप्पड़ मारा था? हाँ जी। क्यों मारा था? ये भाई इतने बच्चा क्यों उठाया, मरता जे मर जाने पर। मतलब डस्टबिन में बच्चा आपके सामने गिरा था? मैं पास में खड़ी थी जी। उठाने से मना करा क्यों? हाँ कतने क्यों उठाया बच्चा? अभी बच्चे की कंडीशन कैसी है? अभी बच्चा कैसा है? बच्चा तो बस ठीक ठीक है जी। ठीक ठीक है। हाँ जी। फिलहाल देख सकते हैं इस समय कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल अगर आप देखेंगे डायरेक्टर ऑफिस है, और डायरेक्टर ऑफिस के बाहर ये तमाम जो कर्मचारी हैं वो लोग मौजूद हो चुके हैं और धरना दे दिया। कहा जा रहा है कि जिस डॉक्टर के द्वारा हाथ उठाया गया अंजू के ऊपर, वो डॉक्टर यहाँ पर पहुंचे और अंजू से और तमाम कर्मचारियों से माफी मांगे। आखिर अंजू ने इतना बड़ा कौन सा गुनाह कर दिया? जिस बच्चे की डिलीवरी हुई थी, डिलीवरी के तुरंत बाद वो बच्चा जो है वो डस्टबिन में गिर जाता और डस्टबिन में गिरने के बाद अंजू ने उस बच्चे को डस्टबिन से उठाकर उठाया तो वहीं पर जो महिला डॉक्टर, मनीषा नाम बताया जा रहा है डॉक्टर का, उस डॉक्टर के द्वारा अंजू को एक थप्पड़ रसीद दिया जाता है। आखिर क्यों थप्पड़ रसीदा गया, अंजू ने ऐसा क्या काम कर दिया जिस कारण से अंजू के ऊपर हाथ उठाया डॉक्टर के द्वारा? लेकिन तमाम जो कर्मचारी उनमें रोष है और ये सब कर्मचारी इस समय धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर यहाँ पर पहुंचे, माफी मांगे, उसके बाद कहीं ना कहीं ये तमाम जितने भी कर्मचारी हैं ये लोग यहाँ से उठेंगे। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें। लेकिन सबसे बड़ी बात, डिलीवरी के बाद अगर बच्चा डस्टबिन में गिर गया था, महिला कर्मचारी जो पास खड़ी थी अगर उसने उठा लिया तो क्या ऐसा गुनाह कर दिया? लेकिन पूरा मामले की असलियत क्या है जब डॉक्टर मनीषा आएंगी तभी इस चीज के बारे में पता चल सकता है। लेकिन डॉक्टर मनीषा फिलहाल कैमरे पे आने से इंकार कर गई। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय दें। मैं मनीष शर्मा आप सभी के साथ लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद।